समझ नहीं रहे हैं, हमारा दर्द नहीं समझ रहे हैं, तो हम लोग बस इसलिए एकत्र हुए हैं कि आज किसी भी तरह से वो हमारी फाइल को साइन कर दें, ट्रांसफर की फाइल को, और हम महिलाओं को इस परेशानी से बाहर निकालें। हम लोगों का ट्रांसफर 2019 से रुका हुआ है, बीएसएस सर के पास फाइल है, कमेटी बनाई गई थी, क्रिया पूर्ण हो चुकी है, बट वो साइन नहीं कर रहे हैं, बीएसएस सर के द्वारा फाइल रोकी गई है। तो सीडीओ सर ने भी कई बार इनको फोन करके बोला है कि आप जल्दी से फाइल लेके आइए और इन लोगों का ट्रांसफर रिलीज करिए, बट वो किसी की बात नहीं सुनने को तैयार है। हम मौजूद हैं बीएसए कार्यालय में, आप देख सकते हैं हमारे पीछे अनुदेशक हैं जिनका ट्रांसफ़र होना था। 2019 में यह प्रक्रिया चल रही थी, काफ़ी जिलों में यह पूर्ण भी हो चुकी, लेकिन ये सीतापुर जनपद है, यहाँ पे अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हो चुकी और ये अनुदेशक काफ़ी पिछले घंटों से यहाँ बीएसए कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं और बीएसए कार्यालय की जो कुर्सी है वो खाली पड़ी हुई, ये इनका ज्ञापन भी देना था लेकिन ये लोग अभी ज्ञापन हाथ में पकड़े हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या इनकी मांग है और कब से यह चक्कर लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राची मिश्रा है, मैं अनुदेशक हर गांव ब्लॉक में, और हमारी मांग जो कि बार बार हम लोग दोहराते रहते हैं कि अनुदेशक ट्रांसफर, जो कि शासनादेश आया था 2019 में नवंबर में और प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन पूर्व बीएसए सर का ट्रांसफर होने के बाद वो प्रक्रिया वहीं रुक गई, और जब से इन्होंने ज्वाइन किया है कई बार इनसे मिल चुके हैं, सारे अधिकारियों से भी मिले, पहले सीडीओ सर के पास फाइल रुकी हुई थी, वहां से फाइल रिलीज होकर कमेटी बनाई गई और उनका भी ट्रांसफर हो गया, कमेटी बनाई गई और बीएसए सर को सौंपा गया, और बीएसए सर के पास फाइल लगभग 5 महीने हो गए, बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उनके पास फाइल उन्होंने क्लियर नहीं की है और फाइल उनके पास ही रुकी हुई है, सब संशोधन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फाइल में साइन नहीं कर रहे हैं। अब क्यों वो हस्ताक्षर रोके हुए हैं, क्यों हम लोग की फाइल आगे नहीं बढ़ने देते हैं, क्योंकि सीडीओ सर से भी मैं कई बार मिली हूँ, उन्होंने यही बोला है जैसे ही आपकी फाइल यहाँ आती है हम तुरंत यहाँ से आपकी रिलीज कर देंगे ट्रांसफर ऑर्डर, लेकिन बीएसए सर से वो बार बार बोलते हैं, लेकिन बीएसए सर कुछ ना कुछ नया बहाना करके टाल देते हैं, और हम लोग भी जब भी उनसे मिलते हैं वो एक दो दिन का, एक हफ्ते का, ऐसे कभी रिन्यूअल का, कभी कुछ चक्कर, कुछ ना कुछ बता देते हैं और हम लोगों को गुमराह करके भेज देते हैं, तो हम लोग थक चुके हैं और हम लोग को अब आश्वासन नहीं चाहिए, और आज हम सभी महिलाएं यहाँ पर अपनी हक की लड़ाई के लिए एकत्र हुए हैं और बहुत दूर दूर से महिलाएं आती हैं और आर्थिक तंगी है बहुत ज़्यादा, मानसिक रूप से ही परेशान है क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग अब एक दृढ़ संकल्प बना के आए हैं कि आज हम लोग ट्रांसफ़र लेके ही जाएंगे, आज वो बीएसए सर को फाइल में साइन करना ही होगा, उनको जितना भी समय लगे आप आइए बैठिए और पूरा साइन करिए, लेकिन आज वो 10 बजे से हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं और अभी 12 बजने वाला है, लेकिन बीएसए सर का कोई अता पता नहीं है, शायद उनको खबर मिल गई होगी हम लोग यहाँ आए हैं, वो अभी तक ऑफिस में क्यों नहीं आए हैं, क्या कारण है, कहाँ पे उनको इतना बिजी है कि इतना बिजी हो गए हैं कि उनको अनुदेशकों की समस्याएँ नहीं दिख रही हैं, तो हर बार वही हमसे मुँह चुराने की कोशिश करते हैं, जब भी हम उनसे मिलते हैं वो हम लोगों से मिलते भी नहीं है, वो ऑफिस में जैसे ही हमारी उनके पास स्लिप जाती है तो वो तुरंत ही किनारा करके निकल जाते हैं, फ़ोन कान में लगा के धीमे से निकल जाते हैं और हम लोग की बात ही नहीं सुनते हैं, और अपनी बात बोल के बस हाँ हो जाएगा, रिन्यूअल हो जाएगा, 2-3 दिन लगेगा, ऐसे बोल के टालते जा रहे हैं, और आज इतना समय बीत गया, अब हम लोग के पास समय ही नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, और अब बीएसए सर आके हमारी फाइल पे साइन कर दे कैसे भी करके, और हम लोग तभी हटेंगे जब साइन हो जाएगा। तो इनका यह कहना है कि जब बीएसए आ जाएंगे उनसे मिलने के बाद ही यहाँ से हटेंगे, क्योंकि ये पूरे 2 साल हो गए हैं तब से इनकी प्रक्रिया अटकी हुई है। इनका कहना है कि ये 7,000 की नौकरी करते हैं, एक तरफ योगी सरकार महिला सशक्तिकरण का नारा दे रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे ये सारी महिलाएं हैं जो बीएसए से मिलने के लिए अपना मांग पत्र पकड़े हुए हैं हाथ में और बीएसए अभी नहीं आए हैं, तो इनका यह दर्द है। बाकी अभी और आपको बताएंगे। आई इंडिया से विपिन राजवंशी, सीतापुर।